यहाँ पे देखिएगा बेटा, विलियम ब्लेक नेक्स्ट है जनाब, बॉर्न इन विलियम ब्लेक, बॉर्न नवंबर 28, 1757 लंदन इंग्लैंड, डाइड अगस्त 12, 1827 लंदन इंग्लैंड, और टोटल इसकी जो जिंदगी थी वो 69 ईयर्स हुए। उसके बाद अर्ली ईयर्स में क्या था, बिगेन ब्लेक की लाइफ के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बिगेन अर्ली ईयर्स उसके कैसे थे। बिगेन हिज आर्टिस्टिक करियर एट 10 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर सेंट हिम टू द बेस्ट ड्राइंग स्कूल इन इंग्लैंड, अप्रेंटाइज टू एन एनग्रेवर एट 14। ठीक है, और वो अप्रेंटाइज हुआ यहाँ पे एज एन एनग्रेवर। एनग्रेव कार्विंग किया करता था ये ना, मेटल की वो स्लेट्स होती थी उसके ऊपर ये कार्व करके लिखा करता था। अभी मैं आगे दिखाऊंगी ये किस तरह से कार्विंग करता था, और जो चीज लिखता था वो कार्व करके लिखता था। और एडल्ट लाइफ ऑलवेज वर्क एज एन एनग्रेवर एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इसलिए एक एनग्रेवर के तौर के ऊपर उन जो मैंने आपको बताया ना स्लेट्स होती थी उसके ऊपर ये एनग्रेविंग करता था, कार्विंग करता था। तो एज एन जैसे हम कतबे बनाते हैं ना, कतबों के ऊपर नाम जो है वो एनग्रेव हुआ होता है, तो ये वो वाला एनग्रेवर था। और पहले के जमाने में लकड़ी की छालों के ऊपर या लकड़ी के तख्तों के ऊपर एनग्रेविंग हुआ करती थी, पेपर्स तो हुआ नहीं करते थे, तो ये मोस्टली अपनी पोएम्स जो है ना वो एनग्रेव किया करता था। एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट यानी कि लिख के और उनको फिर एनग्रेव करता था। वॉज वेरी पुअर स्पेशली लेटर इन लाइफ, ऑलवेज फेल्ट रिच एंड स्पिरिट, और लेकिन स्पिरिचुअली वो बहुत रिच था। इसको माइस्टिक पोएट भी कहते हैं। ये ब्लेक का आर्ट देखें जनाब, ब्लेक इस तरह का आर्ट करता था। नेक्स्ट है ब्लेक लाइफ देखते हैं, स्लाइड नंबर 5। हिज लाइफ इज कंसीडर्ड सिंपल बोरिंग व्हेन कंपेयर्ड टू द लाइव्स ऑफ द कंटेंपोरेरीज कॉलरिज शेली की। अब उसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा सिंपल और बोरिंग कंसीडर की जाती थी, अगर उसकी लाइफ कंपेयर किया जाए उसके कंटेंपोरेरीज जिसमें कॉलरिज भी था, शेली और कीट्स भी थे। मैरिड टू द सेम वीमेन मोस्ट ऑफ हिज टाइम, यानी कि एक ही खातून से उसने शादी की। नेवर ट्रेवल्ड, और उसने कभी ट्रेवलिंग नहीं की। मैरिड कैथरीन बाउचर इन 1782, दे वर मैरिड अंटिल हिज डेथ इन 1827। शी असिस्टेड विद द प्रिंटिंग एंड हैंड कलरिंग ऑफ हिज पोएम। वो उसको हेल्प आउट करती थी किसमें, प्रिंटिंग में और हैंड कलरिंग अपनी उसकी जो पोएम्स होती थी उसमें। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा, सफर्ड इन हिज लास्ट ईयर्स दैट सिकनेस टू विच देयर इज नो नेम। और लास्ट ईयर्स में वो सफर हुआ उस सिकनेस के साथ जिसका कोई नेम नहीं था। प्रोबेबली बिलरी करोसिस कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड इज अप्लाइड टू द कॉपर प्लेट्स। वो जिस कॉपर प्लेट्स के ऊपर एनग्रेविंग करता था ना और उसके ऊपर कलरिंग करता था, एक्चुअली आप कभी जाएं वो कतबों की शॉप पे तो वो कोई फ्यूम्स वगैरह मतलब कुछ एसिड्स वगैरह फेंकते हैं, उन फ्यूम्स की एक्सपोजर से जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको कौन सी बीमारी हुई, बिलरी करोसिस। दिस वॉज वन ऑफ द मैथड ऑफ एनग्रेविंग, और ये मैथड ऑफ एनग्रेविंग था। मिसलिनियस ब्लेक फैक्ट्स क्या है, क्लेम टू सी विजन ऑफ एंजल स्पिरिट्स एंड गोस्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ये क्लेम करता था, इसने ये क्लेम किया था कि मुझे जो है ना गोस्ट जो है ना वो नजर आते, ठीक है। तो इसने क्लेम टू सी विजन ऑफ एंजल स्पिरिट्स गोस्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस, और इसलिए इसको विजनरी पोइट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लेम करता था कि भाई मुझे एंजल्स और गॉड्स की मुझे स्पिरिट्स मतलब गॉड्स का भी नजारा हुआ है, मुझे एंजल्स नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें ये बताया करता था बचपन से लेके जवानी तक। फर्स्ट विजन सीन एट एज 4 गॉड एट द विंडो, ठीक है, एज 4 में उसको गॉड एट द विंडो जो है वो उसका जो विजन था वो ये था। एज 9 में ट्री फिल्ड विद एंजल्स, और 9 साल की उम्र में उसने कहा कि मुझे जो है ना ये एंजल्स नजर आते हैं, और इसको अक्सर जो है लोग प्रॉफिट भी कहा करते थे। ब्लेक को जो होते हैं ना बाज लोग पीरों को बहुत ज्यादा पूजना शुरू कर देते हैं, तो ब्लेक को जो है ना बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कहा करते थे कि ये प्रॉफिट पोइट है। फेवरेट ब्रदर रॉबर्ट डाइड एंड केम बैक टू विलियम इन अ विजन टू टीच हिम एन एनग्रेविंग टेक्निक। और उसका फेवरेट ब्रदर जो है रॉबर्ट, वो उसकी डेथ हो गई और वो ब्लेक के विजन में आया जिसने उसको एनग्रेविंग टेक्निक जो है वो सिखाई थी। सो विजन्स अंटिल हिज डेथ, और अब उसकी डेथ तक उसको ये विजन्स नजर आते रहे, यानी कि स्पिरिट्स और इस तरह की चीजें एंजल्स उसको नजर आते थे। इन हिज डेथ बेड बर्स्ट इनटू सॉन्ग अबाउट द थिंग्स ही सॉ इन द हेवन। और जब वो अपने डेथ बेड में था तो वो गाने गाना शुरू हो गया था जो कि उसने हेवन में देखे थे। अरेस्टेड ट्वाइस,
मोर ब्लेक्स ट्रिक्स देख लेते हैं इसके. 1783 ही एंड टू अदर आर्टिस्ट वर अरेस्टेड एंड अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग वर फाइनली रिलीज्ड वंस इट वाज वेरीफाइड दे वर नॉट फ्रेंड स्पाइज. ठीक है, और इसके ऊपर ये भी वो लगा कि ये शायद कोई जासूस है, और बाद में पता चला उसको रिलीज कर दिया गया जब ये पता चला कि ये कोई फ्रेंड स्पाई नहीं है. 1803 put on trial for pushing a soldier out of his garden illegally saying damn the king all the soldiers are slaves. और इसने इसको जो है ट्रायल पे डाल दिया गया था. क्यों? क्योंकि इसने कहा था ये जो जितने भी सोल्जर्स हैं ये स्लेव्स हैं किसके, किंग के. और ये आपको बेटा ये जो पोएम है ना, सॉरी ये जो कोट है डैम द किंग ऑल द सोल्जर्स आर स्लेव्स, ये जरा लिख लें कि ये इसने कहा था जिसके ऊपर इसको जो है सजा भी हो गई थी. डैम द किंग ऑल द सोल्जर्स आर स्लेव आर स्लेव. इसको बेटा नोट डाउन कर लें क्योंकि अभी आगे इसकी पोएम्स आनी है, उसमें फिर हम ये कोट लिखेंगे. और यहाँ पे लिख देंगे इन 1803 ही वाज पुट ऑन ट्रायल फॉर पुशिंग अ सोल्जर आउट ऑफ हिज गार्डन. उसने अपने ही गार्डन से वो सोल्जर को निकाल दिया था क्या कहते हुए illegally saying कि ये जितने भी जो है soldiers हैं ये क्या हैं, ये kings slaves हैं illegally saying. ठीक है, तो इसको note down कर लें. अच्छा, Blake's poetry देख लेते हैं. Works received little attention during his time. अपने जिंदगी में, उसकी जिंदगी में तो उसका ये जो work है वो बहुत कम देखा गया. Most of his poetry was not widely published. उसकी ये पोइट्री जो है वाइडली पब्लिश नहीं थी. व्हेन हिज वर्क वाज नोटिस्ड पीपल थॉट इट एंड देयरफॉर ब्लेक हिमसेल्फ वाज वाइड कंफ्यूज्ड और मैड. और जब देखा गया इसके बारे में तो वो वाइड भी था, कंफ्यूज भी था और मैड भी था. यहाँ पे देखें, आई मस्ट क्रिएट अ सिस्टम और बी एनस्लेव्ड बाय एन अदर्स मैन. अब इसने ये विलियम ब्लेक की बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन है. उसने कहा था या तो मैं कोई अपना ही सिस्टम क्रिएट करूंगा और बी एनस्लेव्ड बाय एन अदर मैन, या किसी और मैन के सिस्टम का एनस्लेव हो जाऊंगा. वो कहते हैं ना किसी का बन जा या किसी का हो जाए, ये वही है. आई मस्ट क्रिएट अ सिस्टम और बी एनस्लेव्ड बाय एन अदर. या तो आप अपना सिस्टम क्रिएट करें या किसी के गुलाम बन जाएं, दोनों में से देख लें आपके लिए बेहतर क्या. Illustrate most of his poems as well as those of other writers. Printed most of his poems himself. ये देख लें जनाब, ये इसका काम था, ये इसने carving की हुई थी, ठीक है, copper plates के ऊपर. Blake's romantic tendencies देख लेते हैं. If we see with our own imagination, we see the infinite. If we see with our reason, we see only ourselves. वो ये कहता था कि अगर हम अपनी imaginations के जरिए देखें, we see the infinite, तो हमें infinite लामहदूद नजर आता है through imagination, क्योंकि इसको imaginary poet भी कहा जाता था. और वो कहता अगर हम reasons के बल्ब होते पे देखते हैं, logic के बल्ब होते पे देखते हैं, तो we see only ourselves, तो हमें अपने अलावा और कुछ नजर नहीं आता. यानी कि imagination आपको एक unlimited infinite world के अंदर ले जाती है, जबकि reasoning जो है वो इंसान की सोच को महदूद और restricted कर देती है. फिर इंसान जब रीजंस की दुनिया में रहता है तो वो फेथ उसका चला जाता है. बिलीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी इवेंट वाज अ सिंपल विद अ मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग. और बिलीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, हर चीज पे वो बिलीव करता था. एवरी ऑब्जेक्ट एंड एवरी इवेंट, और हर ऑब्जेक्ट और हर इवेंट के ऊपर वो बिलीव करता था. और वाज अ सिंबल विद मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग, और एक सिंबल था यही कि वो हर चीज पे बिलीव करता था. वो एक सिंबल था मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग का. हिज पोएम्स स्पोक आउट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, और उसकी जो पोएम्स थी किसके अगेंस्ट बोलती थी, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट. हिज पोएट्री एंड आर्ट रिफ्लेक्ट हिज स्ट्रगल्स विद द बिग स्पिरिचुअल क्वेश्चंस. उसकी पोएट्री और आर्ट रिफ्लेक्ट करता था स्ट्रगल्स विद बिग स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को, व्हाई इज देयर इविल. और वो क्या कहता था कि इविल क्यों है, व्हाई डू पीपल evil people sometimes prosper, evil people ही क्यों तरक्की करते हैं अक्सर, why do innocent suffer, और innocent suffer क्यों करते हैं. Blake biography देख लेते हैं. Poetical sketches 1783, all religions are one 1788, ये इसके सारे जो works थे वो हैं. There is no natural religion, songs of innocence.
आपके बुक के अंदर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस गिवन है. ये 1789 में पब्लिश हुए थे. द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन, अमेरिका अ प्रोफेसी, फोर चिल्ड्रन, द गेट्स ऑफ पैराडाइज, यूरोप अ प्रोफेसी, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में इसने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जिसे कहना चाहिए जवाब में लिखे थे. और इसकी जितने भी वर्क्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर इसका सबसे ज्यादा जो फेमस वर्क्स हैं इसके वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसके बाद द फर्स्ट बुक ऑफ यूरिजन 1794, द सॉन्ग ऑफ लॉस, द बुक ऑफ एहेनिया, द बुक ऑफ लॉस, फॉर द सेक्सेस, द गेट्स ऑफ पैराडाइज. उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं सब टाइटल क्या था जो आपके सिलेबस के अंदर है. ठीक है, सब टाइटल था इसका द कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल. कॉन्ट्रेरी स्टेट्स क्या होती है? इंसान की सोल की दो कॉन्ट्रेरी स्टेट्स, वन इज इविल, वन इज स्पिरिचुअल. ठीक है, एक इविल है और एक गुड है. इसी तरह एक तरफ हम स्पिरिचुअल होते हैं, एक तरफ हम वर्ल्डली होते हैं. और इसके अलावा कभी हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, कभी हम बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं. कॉन्ट्रेरी स्टेट्स हो गई. अच्छा, एक कॉन्ट्रेरी स्टेट थी जो मेन थी, इंसान इनोसेंट भी होता है और जब इनोसेंस खत्म होती है तो इंसान एक्सपीरियंस तक पहुंच जाता है. तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्ट्रेरी स्टेट. तो कॉन्ट्रेरी स्टेट्स यानी कि दो स्टेट्स को आमने सामने रख के जो बात की जाए. और वो कहता था कि कॉन्ट्रेरी स्टेट्स, वो कहता था, मैंने कहा था ना ये विलियम ब्लेक की कोट है कि कॉन्ट्रेरीनेस इज द प्रोग्रेशन, कि जब आप कॉन्ट्रेरी स्टेट्स तक पहुंचते हैं तो तभी आपकी प्रोग्रेशन स्टार्ट होती है. दैट इज द सेम. द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस को टाइटल दिया गया जो सब टाइटल था, इसको कॉन्ट्रेरी स्टेट्स कहा गया था. इनोसेंस और एक्सपीरियंस को ऑफ ह्यूमन सोल. इनोसेंस जेन्युइन लव, ट्रस्ट टुवर्ड ह्यूमन काइंड, अनक्वेश्चन्ड बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी. इनोसेंस जो है वो जेन्युइन लव, ट्रस्ट टुवर्ड ह्यूमन काइंड, अनक्वेश्चन्ड बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस करता है. यानी कि जब तक इंसान इनोसेंट होता है तो उसका लव भी जेन्युइन होता है. वो हर किसी पे ट्रस्ट करता है, ह्यूमन काइंड पे वो ट्रस्ट करता है. मासूम लोग कौन होते हैं जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी से मोहब्बत कर लेते हैं, हर किसी पे रहम कर लेते हैं. ठीक है, उनके अंदर कॉन्टेंटमेंट ज्यादा होती है. अभी क्यों? क्योंकि अभी वो उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते आए हुए होते और शायद जिंदगी के धक्के नहीं खाए होते. ठीक है, अच्छा उसके बाद एक्सपीरियंस क्या होता है? डिसइल्यूजनमेंट विद ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी. डिसइल्यूजनमेंट होती है उनकी ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के साथ. अच्छा, पोएम्स जो है इन आइदर इनोसेंस और एक्सपीरियंस आर कलर्ड बाय स्पीकर स्टेट. पोएम्स चाहे वो इनोसेंस है या एक्सपीरियंस है, दोनों कलर्ड है बाय शेक्सपियर सॉरी स्पीकर्स के स्टेट पे. यानी कि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको वो शो कर. द लैम्प, लैम्प आपके उसमें है नहीं लेकिन द टाइगर है. ठीक है, लैम्प द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में से है. द टाइगर जो है वो आपके सिलेबस में है, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी. लेकिन लैम्प और टाइगर बेटा इसलिए यहाँ पे उसका टेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ, थोड़ा सा दिखाने कि वेरी इजी पोएम, बिल्कुल बच्चों वाली पोएम. इसकी पोएम्स को ना अक्सर नर्सरी की पोएम्स के अंदर भी लिखा हुआ होता है. नर्सरी राइमिंग पोएम्स के अंदर इसकी पोएम्स गिवन होती हैं स्कूल्स के अंदर. तो ये जो लैम्प है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है ये अक्सर बच्चों के नर्सरी स्कूल्स की बुक्स के अंदर गिवन होता है. अब देखिए बिल्कुल इजी सी पोएम है. द लैम्प, लिटिल लैम्प हु मेड दी, लिटिल लैम्प तुम्हें किसने बनाया है? डस दाउ नो हु मेड दी, क्या वो तुम्हें जानता है? डस दाउ नो, क्या तुम उसको जानते हो जिसने तुम्हें बनाया है? गिव दी लाइफ, तुम्हें लाइफ दी, एंड विद दैट दी फीड. यानी कि हर चीज का आंसर क्या है? गॉड, कि तुम्हें गॉड ने बनाया है. कि भाई लिटिल लैम्प तुम्हें मतलब क्या तुम उस हस्ती को जानते हो जिसने तुम्हें बनाया? बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड गिव दी कलर ऑफ द लाइट, जो कि बाय द स्ट्रीम और ओवर द मीड तुम्हें कलर ऑफ क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट उसने दिया. यानी कि इतना तुम्हें खूबसूरत बनाया है. सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वूली ब्राइट गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, तुम्हें सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग दी है, तुम्हें वूली ब्राइट दी है, वूली बनाया है, ब्राइट बनाया है, तुम्हें टेंडर वॉइस दी है, मेकिंग ऑल द वैल्यूज वेल्स रिजॉइस, तुम्हें जितनी भी ये जो वेल्स हैं तुम वैलीज के अंदर रिजॉइस करते हो. लिटिल लैम्प हु मेड दी, दोस दा हु मेड दी, लिटिल लैम्प आई विल टेल दी, लिटिल लैम्प आई विल टेल दी. कितना आसान है ना, ऐसी इजी इजी सी पोएम्स है इसकी. ही इज कॉल्ड बाय दाय नेम फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प, वो कहता है वो तो तुम्हारे नाम से जाना जाता क्योंकि वो खुद लैम्प के नाम से पहचाना जाता था. कौन? जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है. ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड,
He became a little child. I a child and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. वो कहता है कि वो तो अपनी वो खुद ही lamb है. He is meek and he is mild. और he became a child. I a child and thou a lamb. मैं भी एक child और तुम एक lamb. They are called by his name. We are called by his name. हम उसके name से ही पहचाने जाते हैं. अब वो कहता है little lamb तुम्हें God bless करे. ठीक है. अब next है little lamb explication देख लेते हैं. Companion piece to tiger poem. Tigers जो है songs of experience में था और उसने एक innocent lamb के मुकाबले में एक poem लिखी the tiger. और वो कहेगा कि क्या ये वही God है जिसने इतना अच्छा meek and mild lamb बनाया और ये fierce tiger भी बनाया. Connotation of innocence, ठीक है, इसके अंदर lamb के अंदर connotations of innocence है. Symbolism है lamb equal to Jesus, lamb of God. Jesus is also known as shepherd who leads stray sheep, sinners back to the flock of humanity. Tone इसकी joyful है, bright है, happy है. Contrast with tiger, slant, rhyme, name और lamb. फिर tiger की poem थी ये. बेटा मैं आपको इंशाल्लाह अभी तो जल्दी में पढ़ा देती हूँ, लेकिन इसके बाद जब हम text पढ़ेंगे तो हम थोड़ा इसको, क्योंकि इसकी कभी कभार क्रिटिकल अप्रिसिएशन आ जाती है, तो ये भी देख लेते हैं. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाय फियरफुल सिमेट्री. बट कहते हैं टाइगर टाइगर ब्राइट बर्निंग ब्राइट. अब देखिए बिल्कुल उसके मुकाबले में उसने ऑपोजिट पोएम लिख दिया. इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, कि तुम इतने बर्निंग ब्राइट हो, फॉरेस्ट ऑफ नाइट में तुम पैदा हुए हो, यानी कि तुम्हारे अंदर इतना एंगर है, इतना हसद है, इतना तुम्हारे अंदर फ्लेमिंग फायर है. व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाय फियरफुल सिमेट्री, वो कौन से इमोर्टल हैंड और आई है जिसने तुम्हारी ये फियरफुल सिमेट्री जो है इसको बनाया. इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स ऑफ स्काई बर्न द फायर ऑफ दाइन आई, ये कौन से डिस्टेंट डीप्स और स्काईज हैं जिसने तुम्हारी आईज को इतना बर्नड बनाया. ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर्ड बट द हैंड डेयर सीज द फायर, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट Put to is the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand at what dread feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grasp, there its deadly terrors clasp. When the stars threw down their spears, and watered heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who made the lamb make thee. Kya ye wahi hai jisne jo hai तुम्हें बनाया है, उसने लैम्प को भी, क्या ये वही हाथ है जिन्होंने लैम्प को भी बनाया. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम थाय फियरफुल सिमेट्री. बेटा ऐसी इसकी सारी पोएम्स है. अच्छा फिर यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लीकेशन देख लेते हैं. कंपेनियन पीस टू लैम्प है, डिड ही हु मेड द लैम्प मेड डी, ठीक है, लैम्प के मुकाबले में उसने क्या कहा कि जिसने लैम्प बनाया क्या उसने तुम्हें भी बनाया है. क्वेश्चन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इवल इन द वर्ल्ड, ये पोएम जो है क्वेश्चन करती है कि इवल जो है वो इस दुनिया में क्यों है. डिड गॉड क्रिएट इवल, क्या गॉड ने इवल को क्रिएट किया है. ब्लेक कैंट आंसर दैट क्वेश्चन, ब्लेक ये आंसर जो है कैंट आंसर दैट क्वेश्चन, ब्लेक जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा. ठीक है, सिंबलिज्म देखते हैं. ब्लैक स्मिथ जो है वो गॉड या क्रिएटर को कह रहा है, और टाइगर जो है वो किसको शो कर रहा है, इवल को, वायलेंस को, और टोन इसकी क्या है, डार्क फियरफुल क्वेश्चन. पॉइजन ट्री आपकी उसके अंदर है, आपके सिलेबस में पॉइजन ट्री भी है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड आई टोल्ड माई रेड इट एंड ये आई थिंक आपकी आई थिंक एफ ए की बुक में है या बी ए की बुक में है. I was angry with my foe. I told it, not my wrath did grow. वो कहता है मैं अपने फ्रेंड के साथ एंग्री था, मैंने उसको अपना रेथ बताया, यानी कि मैं गुस्से में था तो मैंने उसको अपना गिला बता दिया और मेरा गिला खत्म हो गया. फिर वो कहता है मैं एंग्री था अपने दुश्मन के साथ. I told it now, not my wrath did grow. मैंने उसको नहीं बताया और मेरा वो जो रेथ है, मेरा जो वो हसद है, मेरी जो hatred है वो grow करना शुरू हो गई. And I watered it in fears, night and morning with my tears. और मैंने उसको water किया tears में, night and morning with my tears, night and morning मैंने उसको अपने tears के साथ water किया. And I sunned it with my smiles, and with soft deceitful wiles. और मैंने उसको sunned it, यानी कि मैंने उसको रोशनी दी, मैंने उसको अपनी smiles के साथ खूबसूरत बनाया, यानी कि उसकी हिपोक्रेसी शो की, यानी कि अंदर से तो मैं उससे गुस्सा था लेकिन बाहर से मैं उसको स्माइल्स देता था,
मैंने मैंने हिपोक्रिटिकल वे में उसको डिसीव किया एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल एंड इट ग्रियो बोर डे एंड नाइट. अब क्या हुआ, वो जो रेस्ट था वो ग्रियो होना शुरू हुआ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, यहाँ तक कि वो एक एप्पल ब्राइट बोर हो गया, पैदा हुआ उससे एक एप्पल ब्राइट. एंड माई फो बी हेल्ड इट शाइन, मेरा जो फो है वो उससे अट्रैक्ट हुआ एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, उसको पता था ये मेरा है. And into my garden stole when the night had veiled the pole. वो कहता है जब रात हुई तो वो मेरे गार्डन में आया, उसने उसको स्टोल किया. In the morning glad I see my foe outright beneath the tree. और जो मॉर्निंग में मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने ये देखा कि वो जो मेरा फो था, मेरा दुश्मन था, वो ट्री के नीचे स्ट्रेच यानी कि मर चुका था. Poison tree explication देख लेते हैं. Imagery जो है tree bearing poisonous fruit है. मेटाफर है हेट्रेड और रैथ, एप्पल और प्लांट. एल्यूजन देख लेते हैं, गार्डन ऑफ ईड, एडम एंड ईव, टोन इसकी कन्फेशनल है. स्टैंजा वन जो है इनोसेंस है, एक्सपीरियंस इनोसेंस फ्रेंड को शो कर रहा है, एक्सपीरियंस फो को शो कर रहा है. डोंट होल्ड अ ग्रज, जो कि ग्रज को होल्ड नहीं करता. लेटिंग गो ऑफ फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम, और वो फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स को जो है वो मजीद ग्रो करने देता है, प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम बगैर सोचे समझे कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या होंगे. स्टैंजा टू में फियर सैडनेस डिसीट ऑल अलाउ एंगर एंड हेटर टू ग्रो. स्टैंजा थ्री में देख लेते हैं, एप्पल है रेथ है, एप्पल इज स्टेबल टू फो. स्टैंजा फोर में स्टोल हैज टू मीनिंग, स्नक इन और टू टुक विदाउट परमिशन, बोथ आर एप्लीकेबल. पोल देख लेते हैं, प्रोबेबली द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स अ फॉगी एस्पेशली डार्क नाइट, एक्चुअली मर्डर नॉट मेंशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्चुअली मर्डर तो मेंशन नहीं है, लेकिन स्पीकर डज नॉट वांट टू ड्वेल ऑन इट. ब्लेक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं क्या था. जिम मॉरिसन गॉट द नेम फॉर द डोर्स फ्रॉम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. इफ द डोर्स ऑफ परसेप्शन वर क्लींस एवरीथिंग would appear to man as it is infinite. For man has closed himself up till he sees things through narrow chinks of his cavern. ठीक है, man जो है अपने आप को खुद बंद कर लेता है till he sees, जब तक कि वो narrow chinks of cavern से नहीं देख लेता. ये बेटा आप लोगों की आज का ये introduction end हो गया.